कोयलांचल ट्रक हाईवे ओनर्स एसोसिएशन ने माइनिंग के चालान के समय की वैधता बढ़ाने की मांग को लेकर उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि ट्रक ओनर्स के द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि माइनिंग चालान की वैधता की समय की वैधता अवधि मात्र 2 घंटा होने से कई तरह की परेशानियों से ट्रक ओनर्स को गुजरना पड़ रहा है। चूँकि माइनिंग चालान के समय की अवधि 2 घंटे होने के कारण माइनिंग एरिया पार करके चेक पोस्ट से बाहर होने में भी 2 घंटे का समय लग जाता है। चूँकि धनबाद शहर में हर एक जगह जाम एवं रात्रि 11 बजे तक नो एंट्री होने के कारण समय पर गाड़ी पास नहीं हो पा रहा है, जिससे कि गाड़ी ओनर्स का गाड़ी संबंधित सारा पेपर सही होने के बावजूद भी माइनिंग एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा ट्रक मालिक पर मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है एवं ड्राइवर को जेल भेज दिया जा रहा है, जो कि विधि सम्मत नहीं है। ऐसे में माइनिंग चालान की वैधता को 2 घंटे से बढ़ाकर ई वे बिल की तरह 24 घंटे करने की मांग है, ताकि ट्रक ओनर्स को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हम लोग आज धनबाद के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से मिलने के लिए आए थे। हम लोगों को समय मिला था मिलने का 11 से 12 के बीच में, लेकिन डीएमओ साहब नदारत हैं अपने कार्यालय से, और हम लोगों को जो ट्रक और हाईवा ऑनर्स हैं उनको लगातार शोषण माइनिंग विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। पिछले दिनों आप लोग देख रहे होंगे 1200 रुपये का अतिरिक्त टैक्स लागू करके हम लोगों को आर्थिक दबाव, फिर हम लोग आंदोलन किए, उसको वापस किया गया। फिर ये तानाशाह रवैया अपनाते हुए इन्होंने माइनिंग चालान जो जनरेट किया जा रहा है उसमें लोकल पे 2 घंटे का ये लोग टाइम दिए हैं, और बाहर जो गाड़ियां जाएगी उसमें 10 घंटे का। हम पूछना चाहते हैं माइनिंग ऑफिसर से और इनके इंस्पेक्टर से कि आप लोग किस आधार पर इसको लागू किए हैं। कोल्लेरी में गाड़ियाँ जाती है तो पासिंग होते होते 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, उसके बाद आधे घंटे में वो या तो गोविंदपुर निरसा या राजगंज नहीं पहुंच पाएगी। तो ये सरासर गलत है, ये तानाशाह फरमान है। इसको हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे।